कानपुर में हुई 3 जून की हिंसा मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी। जफर हयात हाजमी के मोबाइल व्हाट्सएप चैट से साक्ष्य मिले हैं। हिंसा के मुख्य आरोपी हयात ने दिखावे के लिए कानपुर बाजार बंदी को वापस लिया था। ये एक नाटक था जो पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया था। अब हयात के व्हाट्सएप चैट में बाजार बंद वीडियो और फोटो मिले हैं। इससे वे लोगों को रोकने के बजाय उन्हें भड़का रहा है। कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिससे वीआईपी मूवमेंट की वजह से 3 जून को ही चुने जाने की पुष्टि होती है। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अफसर ने बताया कि हयात जफर आसमी और उसके साथी जावेद सूफियान और राहिल से अलग अलग पूछताछ की गई। सभी के बयान अलग अलग थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो एक जैसी थी। सभी ने कहा कि जिस तरह से नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब को लेकर बयान दिया था, वैसा भविष्य में कोई और ना करे। इसके चलते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन को ही हिंसा के लिए चुना गया। हिंसा की साजिश करने वालों का कहना है कि उनका मकसद पूरा हो गया, देश के शीर्ष तक उनकी बात पहुंच गई। आरोपियों ने कहा है कि बाजार बंदी का प्लान सिर्फ कानपुर का नहीं था, कोशिश थी कि यह हर शहर में ऐसा हो। इतना ही नहीं, बवाल के दिन हयात जफर हाशमी ने शहर के कई नामचीन शख्सियत से बातचीत की। उसके मोबाइल नंबर की CDR से इसका खुलासा हुआ है, इसलिए यह अंदेशा बढ़ गया है कि इन लोगों की भी इस हिंसा में भूमिका रही है, मगर वह सामने नहीं आए हैं, पर्दे के पीछे से साजिश में शामिल रहे। पुलिस अब इन सभी की गिरफ्तारी के लिए साक्ष्य जुटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।